हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी शरीर रचना विज्ञान एवं क्रिया विज्ञान, जिसमें से 10वां पार्ट है दोस्तों। एंड दोस्तों, इसमें टॉपिक है ग्रंथियाँ, जिसमें से अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, मिश्रित ग्रंथियाँ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेरे चैनल पे सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। और 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बनाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि हारमोन्स का क्या अर्थ होता है। तो हारमोन्स का अर्थ होता है एक्साइट यानी कि उत्तेजित होना। नेक्स्ट, हारमोन्स की खोज किसने की। तो इसको इसकी खोज किया था इर्मेस्ट थेनरी स्टर्लिंग 1905 में। नेक्स्ट दोस्तों, हारमोन्स को कितने प्रकार में बांटा गया है। यहाँ हारमोन्स की बात कहा है, ग्रंथियों की नहीं, ग्रंथियों को बोलेगा कितने प्रकार का है, तो भी 3 प्रकार का होगा, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां। यहाँ बोला है हारमोन्स को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो 3 प्रकार में। नेक्स्ट है, एंडोक्राइन ग्रंथियों से कौन से 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। तो कौन कौन से 3 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं दोस्तों एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से, पेप्टाइड हार्मोन्स, एमीन और स्टेरॉइड हार्मोन्स, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, पेप्टाइड में से कौन से हार्मोन्स आते हैं। तो पेप्टाइड हार्मोन्स में आपका आता है हाइपोथैलेमस एंड सोमेटोस्टेटिन, हाइपोथैलेमस एंड सोमेटोस्टेटिन आता है, यानी कि ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए कौन सा कथन सही है। तो पेप्टाइड हार्मोन्स जो होता है वह पानी में घुलनशील होता है। किसमें घुलनशील होता है, पानी में। नेक्स्ट है, एमीन हार्मोन के लिए कौन सा कथन सही है। तो एमीन हार्मोन भी पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है, एमीन हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से दोस्तों, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड थायरॉक्सिन हार्मोन आता है, ठीक है, एमीन के अंतर्गत, ये ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट है, स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए कौन सा कथन सही है। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स वसा में घुलनशील होता है। तो 3 प्रकार के हार्मोन्स कौन है, पेप्टाइड हार्मोन्स, एमीन और स्टेरॉइड, जिसमें से पेप्टाइड और एमीन जो होता है वह जल में घुलनशील होता है और स्टेरॉइड हार्मोन्स वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट दोस्तों, स्टेरॉइड हार्मोन्स में कौन से हार्मोन्स आते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स में एंड्रोजेनस, एस्ट्रोजेन एंड टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए सामंजस्य बैठाने का कार्य दिमाग का कौन सा हिस्सा करता है। तो हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट है, चय अपचय का शक्ति उत्तेजक किसे कहा जाता है। तो आयोडीन को बोला जाता है। नेक्स्ट, आयोडीन किस हार्मोन्स में पाया जाता है। तो आयोडीन जो होता है वह थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है, जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट है, पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से कौन से 2 हार्मोन्स का स्रावित होता है दोस्तों। तो यहाँ पे होता है इंसुलिन एंड ग्लूकागन, ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। इंसुलिन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के एल्फा कोशिका से निकलता है और ग्लूकागन जो है एल्फा कोशिका से निकलता है और इंसुलिन बीटा कोशिका से, ये ध्यान में रखिएगा। ग्लूकागन जो होता है वह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। तो कौन सा निकलता है, ग्लूकागन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, बीटा सेल से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। तो बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। कौन सा निकलता है बीटा सेल से, इंसुलिन निकलता है, ठीक है। और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा हार्मोन्स लीवर। नेक्स्ट है, फास्टिंग हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है। तो फास्टिंग हार्मोन जो होता है वह होता है आपका इंसुलिन। इंसुलिन को फास्टिंग हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लीवर तथा मांसपेशियों के ग्लाइकोजन को क्रियान्वित करता है। तो दोस्तों, यह आपका क्रियान्वित करता है एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनलिन हार्मोन, जो एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट है, बीएमआर का फुल फॉर्म क्या है। बीएमआर का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट।
नेक्स्ट है बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। यह हमारे शरीर में वसा का पता लगाता है, जैसे कि हमारा जो हाइट है वो वजन के अनुसार सही है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि दोस्तों बीएमआई से हमारे शरीर में मोटापा और कमजोरी का पता लगाया जाता है, जैसे कि यदि आपका बीएमआई 18 से कम है तो पता वो होता है कि आप अंडर वेट हैं, यानी कि आपका वेट कम है अपनी लंबाई के अनुसार, यानी आप कमजोर यानी दुबले पतले की स्थिति में आते हैं। यदि आपका 19 से 22 के मध्य है तो आप ऑल गुड होंगे, आपका जो बॉडी पोस्चर है वो सही है। अब बट अब 18-22 से ज़्यादा और 30 से भी ज़्यादा हो गए तो आप संकटग्रस्त स्थिति यानी मोटापे की स्थिति में आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अभ्यास के कारण एंडोक्राइन ग्रंथियों के आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो दोस्तों आप अभ्यास करेंगे तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट है अभ्यास के कारण एंडोक्राइन ग्रंथि के हार्मोन्स के स्त्रावित होने पर होने के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों जब उसका आकार बढ़ेगा तो उसका हार्मोन्स जो है वो भी बढ़ेगा, तो इसकी भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है अभ्यास के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है दोस्तों, तो पश्च भाग से एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स एंड ऑक्सीटोसिन निकलता है, जबकि इसमें कोई भी ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा। जबकि इसमें दिया है एडिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स एंड गोनोडोट्रॉफिक जो आपका अग्रभाग से निकलता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो पश्च भाग से आपका एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन निकलता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब से 7 हार्मोन्स स्थापित होते हैं और पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन्स स्थापित होते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास के कारण सेक्स हार्मोन्स के स्त्राव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह बढ़ता है। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन्स के स्त्राव के बढ़ जाने पर खेल प्रदर्शन और मांसपेशियों की ताकत पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो उसमें सुधार आता है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ जाने पर, जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स या वृद्धि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स जिसे कहते हैं, वह पीयूष ग्रंथि से निकलता है, तो ग्रोथ हार्मोन्स के बढ़ जाने पर मांसपेशी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह बढ़ता है। नेक्स्ट है किसके कारण एक खिलाड़ी सूझबूझ के साथ अपने काम को अंजाम देता है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का स्त्राव बढ़ने पर। नेक्स्ट है किस दशा में मानसिक और शारीरिक वृद्धि मंद हो जाती है, तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि के कम स्त्राव के कारण हमारे मानसिक और शारीरिक वृद्धि जो होती है वो मंद हो जाती है, जिससे बच्चों में क्रिटेनिज्म यानी कि जड़वामनता और वयस्कों में मिक्सीडिमा रोग हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों ग्रोथ हार्मोन्स का स्त्राव बढ़ जाए और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो मांसपेशियों की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह बढ़ती है। नेक्स्ट दोस्तों इंडोक्राइन शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो यह लिया गया है ग्रीक भाषा से, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हार्मोन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हार्मोन शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित करना, क्या होता है उत्तेजित करना। नेक्स्ट है इंसुलिन का दूसरा नाम क्या है, तो इंसुलिन को हम प्रति मधुमेह हार्मोन्स भी कहते हैं दोस्तों, प्रति मधुमेह हार्मोन्स ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कौन से हार्मोन्स पाचक एंजाइमों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, तो थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, ये पाचक एंजाइमों के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि के अधिक हार्मोन्स स्त्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों जब पीयूष ग्रंथि से अधिक हार्मोन स्त्रावित होता है तो शरीर का जो विकास होता है वह असंतुलित हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है एड्रिनलिन को, जो एड्रिनल ग्रंथि से स्त्रावित होता है। दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले एड्रिनलिन को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स या फाइट या फ्ले हार्मोन्स भी कहा जाता है, और इसको पेसमेकर भी कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र का। और यह क्या करता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियमित करता है, जैसे कि कार्यकारी अंगों, जैसे कि हम कभी अचानक संकटकालीन स्थिति परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमको तैयार करता है, कौन एड्रिनल ग्रंथि। अतः मानसिक तनाव की स्थिति में अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जैसे कि क्रोध आने पर, डर लगने पर,
घुटन होने पर, घबराहट होने पर, भूख लगने पर यह बढ़ जाता है, जिसके कारण रक्तदाब भी बढ़ जाता है, ठीक है, और अंतरांगों की क्रिया विधि जो है धीमी हो जाती है। तो इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन्स भी कहा जाता है, ठीक है, और जीवन रक्षक हार्मोन्स भी इसको कहा जाता है, क्योंकि विषम परिस्थितियों से हमारे को नियंत्रित करता है, ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन्स भी और लड़ो या उड़ो हार्मोन्स भी कहा जाता है एड्रेनल हार्मोन को, ये ध्यान में रखिएगा, एड्रेनल ग्रंथि को। नेक्स्ट है दोस्तों, वृद्धावस्था में कौन सी ग्रंथि विलुप्त हो जाती है? तो जो है थाइमस ग्रंथि हो जो होती है वह वृद्धावस्था में विलुप्त हो जाती है, और थाइमस ग्रंथि जो होता है हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम, बच्चों में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके रखता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन होंगे, और बहुत ज्यादा वीडियो हो जाता, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, जिसे आप देखने में थोड़ा बोरिंग महसूस करते हैं, इसलिए मैं छोटा छोटा ही 30 से 40 क्वेश्चंस के एवरेज में वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए दोस्तों, एंड डेली बेसिस से बने रहिए बेहतरीन तैयारी के लिए। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।